अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाही व बरकातुहु। प्यारे अजीज दोस्तों, इस वक्त एक बीमारी फैलती नजर आ रही है जिसे लोग आई फ्लू के नाम से जान रहे हैं। आंखों का इन्फेक्शन ये एक अच्छी बीमारी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम लोगों को, तमाम मुसलमानों को, आपको और आपके तमाम घर वालों को इस बीमारी से महफूज फरमाए। अरे अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग दो ऐसी दुआएं सीख जाएंगे जिनको आप लोगों को अभी इसी वीडियो में 7 मर्तबा मेरे साथ में पढ़ना है। इन दोनों दुआओं को पढ़ लेने के बाद में इंशाल्लाह आप लोग आई फ्लू और तमाम बीमारियां जो वजूद में हैं, सारी की सारी बीमारियों से आप लोग हिफाजत में हो जाएंगे इंशाल्लाह। और प्यारे अजीज दोस्तों, ये दुआएं सही मुस्लिम शरीफ से साबित हैं, नबवी दुआएं हैं, प्यारे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआएं हैं। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इन दुआओं को याद कर लें और अभी वीडियो में आपकी स्क्रीन पर ये दोनों दुआएं दिखाई जाएंगी, इनको आप लोग जरूर पढ़ लें। दिल से इस वीडियो पर एक लाइक कर दें और अपने अजीजों में, अपने फैमिली, अपने परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी इन दोनों दुआओं को पढ़ लें और आई फ्लू जैसे इन्फेक्शन से बच जाएं, हिफाजत में आ जाएं। प्यारे अजीज दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं एक दुआ हदीस शरीफ में ऐसी है जिसको सिर्फ 7 मरतबा पढ़ लेने से इंसान मौत के सिवा हर बीमारी से महफूज हो जाता है। मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में सुबहानअल्लाह लिख दीजिए। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे आकाए करीम मदीने के ताजदार आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी किसी के ऊपर कोई आफत आ जाए, जब भी किसी के ऊपर कोई परेशानी आ जाए, या आप लोग किसी मरीज की इयादत को जाओ, या फिर आई फ्लू या कोई भी वायरस ऐसा जो कि आपके मुल्क में आ गया हो, सब लोग इससे परेशान हो, तो ऐसी तमाम बीमारियां जो वजूद में हैं, जिनको लोग जानते हैं, ऐसी तमाम बीमारियों से आप लोग अगर पीछा छुड़ाना चाहो, इनसे हिफाजत पाना चाहो, तो इन दोनों दुआओं को आप लोग ज़रूर पढ़ लिया करो। या फिर अगर आप लोगों के घर में कोई शख्स बीमार है तो उसको देख कर आप लोग इन दोनों दुआओं को पढ़ लिया करो, या फिर अगर आप लोग खुद बीमार हैं तो भी आप लोग इन दोनों दुआओं को पढ़ लिया करें, क्योंकि इनके पढ़ने से ये होगा कि आप लोग प्यारे अजीज दोस्तों आई फ्लू हो या दुनिया की कैसी भी बीमारी हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन दोनों दुआओं के पढ़ने से प्यारे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से आपको हर तरह की बीमारियों से हिफाजत फरमाएगा। प्यारे अजीज दोस्तों, ये दो दुआएं ऐसी हैं जिनको पढ़ लेने के बाद में मरीज की शिफा और उसकी सेहतयाबी और हिफाजत का कोई ना कोई जरिया बन जाता है, बशर्ते उसकी मौत लिखी हुई ना हो, यानी मौत का वक्त ना आया हो, यानी कैसा ही बीमार क्यों ना हो, कैसी भी लाइलाज बीमारी ही क्यों ना हो, अगर उसकी किस्मत में मौत नहीं लिखी तो जो शख्स मरीज के पास जाकर या फिर कहीं पर भी बैठकर सिर्फ 7 मरतबा इन दुआओं को पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी शिफा का और हिफाजत का कोई ना कोई इंतज़ाम फरमा दिया करता है। तो प्यारे अजीज दोस्तों, आप लोग चाहते हैं ना कि आपको ये दुआ याद हो जाए, चलिए अब आप लोग मेरे साथ में 7-7 बार इन दोनों दुआओं को अभी पढ़ेंगे। मैं पढ़ना शुरू करूंगा, मेरे साथ साथ आप लोगों को पढ़ना है इंशाअल्लाह। सिर्फ 7-7 बार पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको तमाम बीमारियों से हिफाजत फरमाएगा, और सिर्फ 7-7 मरतबा पढ़ने से ही ये दोनों दुआएं इंशाअल्लाह आपके याद भी हो जाएंगी। और कोशिश करें कि ये दोनों दुआएं आप लोग अपने घर के सभी लोगों को पढ़ा सकें, उनको याद करा सकें। तो प्यारे अजीज दोस्तों, इन दोनों दुआओं को पढ़ने का कोई भी तरीका नहीं है, बस जब आपको वक्त मिले आप लोग 7 मरतबा पढ़ लिया करें। बेहतर है कि जब सुबह में अपने घर से बाहर निकलें या घर में ही रहें पूरा दिन, सुबह में उठकर 7-7 मरतबा आप लोग इन दोनों दुआओं को पढ़ लिया करें। सिर्फ 2 मिनट का वक्त लगेगा। पाकी नापाकी कैसी भी हालत में पढ़ी जा सकती हैं। दोनों दुआओं को पढ़ने के लिए ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि वुज़ू हो। अब बताइए कि इससे ज़्यादा आसानी आप लोगों के लिए और क्या होगी। दोनों दुआएं ये हैं, आप लोग कहीं भी एक जगह अकेले खामोशी से बैठ जाएं और इन दोनों दुआओं को पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले चाहें तो आप लोग दुरूद पाक पढ़ सकते हैं 3 बार, अगर नहीं चाहें तो सीधे सीधे बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दोनों दुआएं पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग शुरू कर रहे हैं, आप लोग हमारे साथ में पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यश्फिया का, ये एक बार हुआ। अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यश्फियका, अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यश्फियका,
अस्अलुल्लाहल अजीम रब्बल अर्शिल अजीम अन यशफियका, अस्अलुल्लाहल अजीम रब्बल अर्शिल अजीम अन यशफियका, अस्अलुल्लाहल अजीम रब्बल अर्शिल अजीम अन यशफियका, अस्अलुल्लाहल अजीम रब्बल अर्शिल अजीम अन यशफियका। प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये तो पहली दुआ हो गई जिसको आप लोगों ने 7 मरतबा अभी मेरे साथ में पढ़ लिया। अब आप लोग दूसरी दुआ को अपनी स्क्रीन पर देखिए, इसको भी फौरन ही, जैसे ही आप लोग 7 मरतबा पहली दुआ को पढ़ लेंगे, फौरन उसके बाद में दूसरी दुआ को 7 मरतबा पढ़ना है। किस तरीके से? बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा तलाका विहि वफद्दालनी अला कसीरिम ممن خلق تفضيلا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاق به وفضلني على قصير ممن خلق تفضيلا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاق به وفضلني على قصير ممن خلق تفضيلا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاق به وفضلني على قصير ممن خلق تفضيلا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاق به وفضلني على قصير ممن خلق تفضيلا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاق به وفضلني على قصير ممن خلق تفضيلا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاق به وفضلني على قصير ممن خلق تفضيلا। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, 7 मरतबा अभी आप लोगों ने मेरे साथ में ये दोनों दुआएं पढ़ ली। इंशाअल्लाह तबारक बताला, जिस वक्त में आप लोगों ने पढ़ी, उस दिन के आप लोगों की हर तरह की बीमारी से हिफाजत का इंतज़ाम हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त प्यारे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपको उस दिन में आई फ्लू हो या उससे रिलेटेड या उससे मिलती जुलती कोई भी बीमारियाँ हों, ऐसी बीमारियाँ जिनका नाम आप लोग जानते हैं, चाहे लाइलाज बीमारियाँ ही क्यों ना हों, प्यारे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आप लोगों की हर तरह की बीमारी से हिफाजत होगी। इन दोनों दुआओं को प्यारे अजीज़ दोस्तों, अपने घर से जब भी आप लोग बाहर निकला करें, सुबह में अपने काम पर जाएं या फिर शाम को अपने काम पर जाएं, घर से जब भी आप लोग बाहर कदम निकालें तो आप लोग इन दोनों दुआओं को पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह आप लोग कैसी भी बीमारी हो उनसे बचे रहेंगे। प्यारे अजीज़ दोस्तों, आई फ्लू के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये आई फ्लू एक तरीके का संक्रमण है, एक इन्फेक्शन है। इसमें इंसान की पहचान कैसे करें कि किसको आई फ्लू है? तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, इसमें जो पहली निशानी मिलती है इस रोग की, इस बीमारी की, वो ये है कि इसमें आँखें लाल हो जाती हैं, बिल्कुल सुर्ख हो जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि बार बार होती हैं, एक बार जिसको ये लग गया उसकी आंखें लाल ही रहती हैं। दूसरी निशानी ये है कि आंखों से बार बार पानी आता है, आंखों से पानी निकलता है, आंखों के अंदर जलन महसूस होती है और आंखों में दुखन रहती है। तीसरी निशानी यह है कि आंखों में सूजन आ जाती है, और किसी किसी मरीज को इतनी ज़्यादा सूजन बढ़ जाती है, स्वेलिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है जिस वजह से इंसान को साफ दिखाई नहीं देता है। और इस स्टेज में ऐसे हालात अगर किसी के ऊपर आ जाएं तो वो किसी ना किसी अच्छे डॉक्टर के पास ज़रूर जाए। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इन दोनों दुआओं को रोज़ाना ज़रूर पढ़ते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, हमें और तमाम मुसलमानों को, तमाम दुनिया के इंसानों को ऐसी तमाम बीमारियों से जो वजूद में नहीं है, जो वजूद में हैं वो भी, तमाम लाइलाज बीमारियों से हिफाजत फरमाएं। और जो मरीज़ हैं, जो बीमार हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें प्यारे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में शिफा अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दिल से इस वीडियो पर एक लाइक कर दें और अपने अजीज़ों में इस वीडियो को शेयर करें, या फिर इन दोनों दुआओं को आप लोग अपने घर वालों को याद कराएं और उनको पढ़ाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।